स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से। आपको इसको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले चेक करिए क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। यस, क्योंकि ऊपर लीनियर पॉलीनोमियल है x में और नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का जाएगा एक्स की पावर 4। तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, बट उससे पहले ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन में कराए हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पुट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और t का होता है dt बाय dx, dx इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये 2x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2x dx की जगह dt, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर की जगह t रखो तो t प्लस 1 t प्लस 3। ओके, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया ध्यान से चेक करिए, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है इन वेरिएबल t, ठीक है, t में ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में चेक करो t इंटू टी टी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी कांस्टेंट पॉलीनोमियल की, भाई ऊपर x का t का टर्म कहाँ है, तो न्यूमरेटर में डिग्री कितनी 0 और नीचे डिग्री कितनी है 2। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो 1 अपॉन बहुत ही ईजी क्वेश्चन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो आप नेक्स्ट वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। ये हो जाएगा a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस b अपॉन टी प्लस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई होगा किससे t प्लस 3 से, तो a इंटू टी प्लस 3 और प्लस b इंटू टी प्लस 1, b इंटू टी प्लस 1, एक बार टी प्लस 1 को 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू माइनस 1, तो t का वैल्यू माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो t है नहीं, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा ऐसे ही, और t की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रखोगे तो माइनस 1 और प्लस 3 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a। ओके, 2 इंटू ए 2a और t की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में 2 से लेफ्ट में a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई, तो यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। ओके, अब हम फाइंड करते हैं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू बच्चों फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, t प्लस 3 को 0 रखो तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3 इस इक्वेशन में रखो, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 और t का वैल्यू माइनस 3 प्लस 3 0, a इंटू 0 0 और b, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होता है, ठीक है, नॉट डिवाइडिंग बाय माइनस 2 बोथ साइड, तो माइनस 2 से लेफ्ट में माइनस 2 से राइट में डिवाइड लगा, माइनस 2 से माइनस 2 गया और 1 अपॉन माइनस 2 क्या होता है माइनस 1 अपॉन 2 होता है, यानी माइनस 1 अपॉन 2 बी के इक्वल आ गया, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो b का जो वैल्यू है वो माइनस 1 बाय 2 आ गया और a कितना था 1 बाय 2। ओके, कॉपी करिए इतना फटाफट कर लिया। चलो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है बच्चों, इसमें आप a और b की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, फिर t में आएगा आंसर और t की जगह आप वापस से x स्क्वायर पुट कर देंगे बिकॉज x स्क्वायर इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट किया था हम लोगों ने। चलिए तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू रखो आप कितनी 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन t प्लस 1 और b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 अपॉन t प्लस 3। ओके, ऐसा हो गया। नाउ अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना था, इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, मतलब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ओके 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन टी प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 3। ओके, और प्लस सी। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं क्या 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2 तो बाहर चला गया तो माइनस बचेगा और लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 3। ओके, प्लस सी। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये सपोज आई था, इसी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आई का फॉर्म पहले टी में आ गया था, अब t में आंसर निकालने के बाद t की जगह x स्क्वायर रख देंगे तो आंसर हमारा x स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, तो जगह 1 अपॉन 2 इंटू, अब ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, देखो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ t प्लस 3, तो पूरे को मॉड दे सकते होंगे t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 और साथ में प्लस c।
अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे, टी की जगह आप एक्स स्क्वायर रखो, तो यहाँ पे टी की जगह आपने एक्स स्क्वायर रखना है और यहाँ भी टी की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, बिकॉज आंसर हमको एक्स के टर्म में देना है। तो योर फाइनल आंसर इज 1/2 इन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 / एक्स स्क्वायर प्लस 3 + c।